दोस्तों आज हम बात करेंगे रागी के बारे में। रागी क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो से बने रहिए और ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन अप करता है। तो सबसे पहले जानते हैं रागी क्या है। दोस्तों रागी सबसे पुराना और खाने वाले अनाजों में से एक है। यह वह पहला अनाज है जिसे भारत में लगभग 4000 साल पहले लाया गया था। रागी न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि पौष्टिकता से भी भरपूर होता है। रागी की फसल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे पूरे साल कहीं भी कभी भी किसी भी खेतों में लगाया जा सकता है, क्योंकि इस अनाज की खेती का कोई निश्चित समय नहीं होता और रागी की फसल को पक कर आने में भी काफी कम समय लगता है। रागी दोस्तों बहुत सारे पोषक तत्वों का मिश्रण होता है जिसे खाने से शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। रागी में पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, विटामिन, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। रागी में फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से यह शुगर और वजन को कम करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। रागी का सेवन तनाव वाले मरीजों के लिए भी किया जाता है, जिसके सेवन करने से तनाव कम हो जाता है। इसे पीसकर और अंकुरित करके खाया जाता है। जिस मरीज में खून की कमी हो या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उन मरीजों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होती है। रागी को हम सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, जिससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं और दिन भर कमजोरी नहीं आती। रागी का उपयोग बीमारी के कारण शरीर में होने वाले कमजोर हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है। आमतौर पर रागी का सेवन उन बच्चों के लिए किया जाता है जिनके शरीर की ग्रोथ नहीं हो रही हो या शरीर कमजोर होता है, उनके लिए रागी या नाचनी बहुत ही फायदेमंद होती है। रागी को खाने से स्किन हमेशा जवान रहती है, क्योंकि इसमें उपस्थित अमीनो एसिड की मदद से चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती और इसे स्किन ग्लो भी करती है। इसके सेवन से विटामिन डी की कमी दूर किया जा सकता है। रागी के अनाज में एमिनो अम्ल मेथोनाइल उपस्थित होते हैं। रागी का सेवन करने के लिए आप इसका आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी रोटी बनाकर खा सकते हो, चपाती बनाकर खा सकते हो, इसका इडली, डोसा, हलवा बहुत कुछ बनता है दोस्तों। तो रागी को अपने डाइट में शामिल कीजिए। चलिए देखते हैं रागी के और क्या क्या फायदे मिलते हैं। रागी में अधिक मात्रा में कैल्शियम होने के कारण यह हड्डियों को मजबूत रखने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। जिनको हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द या फिर हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या हो, उन्हें रागी का सेवन करना चाहिए। रागी में चावल की अपेक्षा ज्यादा फाइबर होता है, जिस वजह से हम इसका सेवन वजन कम करने के लिए कर सकते हैं। रागी के आटे का सेवन करने से मधुमेह से संबंधित बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो रागी को डाइट में जरूर शामिल कीजिए। जिन बच्चों के शरीर या हाइट की ग्रोथ नहीं हो रही है, उनके लिए भी रागी या नाचनी का सेवन करना बेहद ही फायदेमंद है। आप इसे अपने छोटे बच्चों को भी दे सकते हो। रागी को दोस्तों प्राकृतिक आयरन का स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि जो मरीज एनीमिया या फिर हीमोग्लोबिन से पीड़ित हैं, वो अपने भोजन के साथ रागी का यूज करके अपने शरीर में आए खून की कमी को भी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो स्तनपान के दौरान जो महिलाएं बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, उनको भोजन के साथ रागी का उपयोग करना चाहिए, विशेषकर जब ये हरा हो। वैसे हरा रागी आपको कहीं मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये लाल रागी का भी उपयोग कर सकते हो। ये दोस्तों माँ के दूध को बढ़ाता है और दूध में उपस्थित कैल्शियम, पोटेशियम, एमिनो एसिड और आयरन की अधिकता को बढ़ाता है, जो माँ और बेटे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। रागी में मेथियोनिन और लाइसिन एमिनो एसिड होने के कारण यह हमारे स्किन को खूबसूरत और जमा रखता है। रागी में उपस्थित एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होने की वजह से यह मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों में सहायता करता है। सामान्यतः जैसे नींद ना आना, पाचन क्रिया, सिर दर्द, थकान महसूस करना आदि, इन सभी बीमारियों में ये औषधि की तरह काम करता है। इसके अलावा रागी का सेवन ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो आप रागी का सेवन जरूर करें। इसके अलावा अगर नुकसान की बात की जाए तो जिन भी लोगों के किडनी में पथरी की बीमारी है, और उन लोगों को रागी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने जाना रागी क्या है, रागी के उपयोग और रागी खाने के फायदों के बारे में, और किन्हें रागी नहीं खाना चाहिए इसके बारे में। वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट से बताना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन अप करता है। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।